अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मटन बूटी कबाब। ये बहुत टेस्टी बनता है कबाब। देखिए तो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। खाने में तो खुशी में इतना लाजवाब बना है ना, कुकर में गला ले फिर बनाए। देखिए ये हम खाते हैं मुरमुरे से, यानी कि लाई से खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। चूड़ा से खाते हैं, चूड़ा को तल करके, बहुत टेस्टी लगेगा। आप एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। तो बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मटन बूटी कबाब। तो उसके लिए मैंने मटन लिया है आधा केजी। इसमें डालेंगे हम सूखी मिर्च का पाउडर एक टेबल स्पून। तो इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर एक टेबल स्पून। अब हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर एक टेबल स्पून। अब हम डालेंगे एक टेबल स्पून जीरा पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला का पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे दो टेबल स्पून। दो टेबल स्पून डालेंगे हम, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधा टेबल स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे हम फूड कलर, थोड़ा सा डालेंगे हम फूड कलर, कलर के लिए डालते हैं। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाले और गोश्त को। तो अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं, अब डालेंगे कुकर में। इसमें डालेंगे हम पानी, एक प्याला पानी लेंगे। सर में डाल दिए हैं, दही डालना भूल गई थी तो मैं दही डाल देती हूँ। चार टेबल स्पून दही है। इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। चार सीटी मैं लगाऊंगी। इंडक्शन पर चढ़ा दी है, देखें। तो गोश्त को हम अच्छे से पका लिए हैं। गोश्त अच्छे से गल चुका है, देखें, अच्छे से गल चुका है। इसमें डालेंगे हम एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा डालेंगे हम काली मिर्च और जीरा का पाउडर। तो हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, चार टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लावर। इसमें डालेंगे हम चना का सत्तू दो टेबल स्पून। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि गोश्त में डाल चुके थे नमक। थोड़ा सा हम डालेंगे सूखी मिर्च के पाउडर, थोड़ा सा चटपटे बनाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च के पाउडर, हमारे पास अवेलेबल नहीं है चाट मसाला, नहीं तो चाट मसाला डालते हैं। तो हम फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं, उसमें डालेंगे तेल। इसमें तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम फ्लेम को हाई कर देंगे। इसको अच्छे से पलट लेंगे। तो ये हो चुका है, अच्छे से इसको हम पलट लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। तो देखिए हमारा बूटा कबाब फ्राई हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो देखिए हमारा बूटी कबाब बन के तैयार हो गया है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। खाने में तो पूछिए मत, इतना लाजवाब बना है। आप एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।